Good morning friends. In the last video you have learned first 7 principles of Henry Ford. Now in today's session I will explain remaining 7 principles. Now the 8th principle is centralization and decentralization. The concentration of decision making authority is called centralization, whereas its distribution among more than one person or one level is called decentralization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती। इन दोनों का एक बैलेंस हमेशा मेंटेन करना चाहिए। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है तो वहाँ वर्किंग में डिले होता है, लेकिन यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो वहाँ टॉप मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के की डिसीजंस, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, इमरजेंसी डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट ही लेता है, यह है सेंट्रलाइजेशन। जबकि रूटीन वर्क मिडल लेवल और ऑपरेशनल लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यह है डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ वी सी द एग्जांपल। कोको कोला कंपनी के प्रोडक्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यह है डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने COVID-19 के दौरान संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया, यह है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन। इसके साथ ही डीमोनेटाइजेशन भी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन का एग्जांपल है। जबकि गवर्नमेंट के कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यह है डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल। Now, if you maintain a balance between centralization and decentralization, you will be benefited with quick decision at middle and operational level. It decreases the workload of superiors and they can concentrate on more important matters. It increases the motivation and encouragement of subordinates. The 9th principle is scalar chain. According to this principle, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates. अब मान लीजिए मिस्टर ए के पास हाईएस्ट अथॉरिटी है और उनके अंडर में 2 टीम्स, 2 डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं। मिस्टर ए को कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर मिस्टर ई को पास ऑन करना है तो वह डायरेक्टली ई से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। वह अपने सबॉर्डिनेट बी को पहले मैसेज देंगे, बी अपने सबॉर्डिनेट सी को मैसेज देंगे, सी यह मैसेज डी को देंगे और फाइनली डी यह मैसेज ई को देंगे। ई को हर केस में केवल मिस्टर डी को ही फॉलो करना है। मिस्टर ई हमेशा मिस्टर डी के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करेंगे। ऐसे ही सपोज अब रिवर्स में मिस्टर ई को कोई रिपोर्ट मिस्टर ए को सबमिट करनी है तो वह डायरेक्टली मिस्टर ई से इंटरैक्ट नहीं करेंगे। पहले यह रिपोर्ट मिस्टर डी यानी अपने सुपीरियर को देंगे, डी यह रिपोर्ट अपने इमीडिएट सुपीरियर यानी मिस्टर सी को देंगे, सी यह रिपोर्ट बी को पास ऑन करेंगे और फाइनली बी यह रिपोर्ट मिस्टर ए के पास सबमिट करेंगे। तो स्केलर चेन में हमें लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के लिए मिलती है, इसके साथ ही कम्युनिकेशन भी मिलता है। अब किसी भी केस में मिस्टर डी कोई भी मैसेज मिस्टर एफ या मिस्टर जी को डायरेक्टली पास ऑन नहीं कर सकते, उन्हें यह लाइन ऑफ अथॉरिटी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना ही होगा। दूसरा रीजन, मिस्टर एफ और जी मिस्टर डी के कंपैरिजन में अलग लेवल पर अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। अब किसी इमरजेंसी केस में मिस्टर डी कोई मैसेज मिस्टर एच को डायरेक्टली पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डी और एच को अपने अपने इमीडिएट सुपीरियर्स यानी मिस्टर सी और मिस्टर जी को पहले इन्फॉर्म करना होगा, तभी वह मैसेज डायरेक्टली पास ऑन कर सकते हैं। इसे कहते हैं गैंग प्लान, जो केवल इमरजेंसी में वर्क करता है। नाउ वी सी द एडवांटेजेस ऑफ स्केलर चेन। इट मेंटेन्स ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब स्केलर चेन या प्रिंसिपल फॉलो करने से सभी एम्प्लॉयज को टाइम पर मैसेज पास ऑन हो जाता है।
किसी भी केस में ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मैसेज नहीं मिला. सेकेंड, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक एम्प्लॉय की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप है, उनका सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप फिक्स है. उन्हें पता है कि उन्हें किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसे फॉलो करना है और किसे रिपोर्ट करना है. नाउ द थर्ड इज यूनिटी ऑफ कमांड एज नो ड्वेल ऑर्डर्स. जैसा मैंने आपसे कहा कि मिस्टर ई केवल मिस्टर डी को ही फॉलो करेंगे, उन्हें कभी भी दो बॉसेस, दो सुपीरियर्स ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे. इसका मतलब स्केलर चेन में द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज ऑल्सो फॉलोड. नाउ द लास्ट इज बेटर रिलेशन. स्केलर चेन फॉलो करने से एम्प्लॉयज के बीच में, सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के बीच में बेटर रिलेशन मेंटेन होते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्केलर चेन. यदि एग्जाम में आपसे यह प्रिंसिपल पूछा जाए तो आपको फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करते हुए यह प्रिंसिपल कंप्लीट करना है. द 10th प्रिंसिपल इज ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर दैट इज फिजिकल थिंग्स एंड सोशल ऑर्डर दैट इज एम्प्लॉयज. फर्स्ट वी डिस्कस मटेरियल ऑर्डर्स. जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, मशीन, कंप्यूटर, सिटिंग अरेंजमेंट, फाइल्स, यह है मटेरियल ऑर्डर. इन चीज़ों को अपनी फिक्स प्लेस पर ही रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे आसानी से ढूंढ सकें. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट में हर कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं. इन सेक्शंस में आपको बहुत से शेल्फ मिलेंगे. इन शेल्फ में यह प्रोडक्ट बहुत ही सिस्टमैटिक वे से अरेंज होते हैं, जिससे स्टॉक भी बहुत ज़्यादा आता है और उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है. नाउ द सेकेंड इज सोशल ऑर्डर. सोशल ऑर्डर मीन्स एम्प्लॉयज, जैसे मैनेजर को उसके केबिन में होना चाहिए और फोरमैन को वर्कशॉप में, तो जरूरत पड़ने पर हम मैनेजर या फोरमैन दोनों से ही आसानी से मिल सकते हैं. फेयोल के अनुसार एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए. नाउ सी द एडवांटेजेस. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एज ने नो वेस्ट ऑफ टाइम इन ट्रेसिंग रिसोर्सेज. यदि यह मटेरियल और सोशल रिसोर्सेज अपनी प्लेस पर रखे हो तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं. द सेकेंड एडवांटेज स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द 11th प्रिंसिपल इज इक्विटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, नेशनलिटी और बिलीफ. इसका मतलब एम्प्लॉय किसी भी धर्म, भाषा, जाति, लिंग, राष्ट्र और धारणा वाला हो, मैनेजमेंट को वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए. जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में सभी देशों के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं. ओबामा का जन्म अफ्रीका में हुआ था किंतु वह अमेरिका के प्रेसिडेंट बने. कल्पना चावला भारत से है किंतु वह अमेरिका में नासा की तरफ से अंतरिक्ष में गए. इफ मैनेजमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी द बेनिफिट्स विल बी इट इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन लेवल अमंग एम्प्लॉयज. इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करने से एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी होंगे और उनका मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा. द सेकेंड इज इट मेंटेन्स कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. यह प्रिंसिपल फॉलो करने से एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशंस होंगे. नाउ द 12th प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. एम्प्लॉयज टर्नओवर मींस द रेट एट विच एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस रेट शुड बी वेरी लेस. मैनेजमेंट को सिस्टमैटिक स्टाफिंग प्रोसेस यूज करके ही एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करना चाहिए. हर नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में सेटल होने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए
ताकि वह नए एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल हो और अपने गुड रिजल्ट्स दे सके. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल. इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज ड्यू टू फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी. यदि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में से बार बार ना निकाले तो उनमें जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग होती है और इसके कारण उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है. द सेकेंड इज बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द कंपनी. यदि कंपनी के पास एक्सपीरियंस ट्रेंड ट्रस्टेड स्टाफ हो तो उनकी गुडविल इंक्रीज होती है. द थर्ड इज लेस एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. यह प्रिंसिपल फॉलो करने से मैनेजमेंट के रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस कम लगते हैं. ऑफकोर्स अनअवॉइडेबल केसेस जैसे लॉन्ग इलनेस रिटायरमेंट डेथ या प्रमोशन के केस में एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा, तब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग कॉस्ट भी लगेगी. नाउ द लास्ट इज नो वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. यह प्रिंसिपल फॉलो करने से मैनेजमेंट का टाइम और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग कॉस्ट पे लगने वाले रिसोर्सेज यानी मनी कम लगेगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल. 13th principle is initiative. Initiative means to take first step with self-motivation. According to this principle, workers should be encouraged and given an opportunity to take some initiative in making and executing the plan. इसका मतलब मैनेजमेंट ने वर्कर्स को उत्साहित करना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वह पुराने काम को नए तरीके से कर सके या नई पॉलिसीज नई टेक्नोलॉजी नई मेथड को एक्सेप्ट करें, अपने सजेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दें. अच्छे सजेशंस के लिए मैनेजमेंट ने वर्कर्स को पुरस्कार भी देना चाहिए. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस. इंक्रीज इन मेंटल ग्रोथ एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग एम्प्लॉयज. यह प्रिंसिपल फॉलो करने से एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को खुद की समझते हैं और अच्छे अच्छे सजेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए देते हैं. इससे उनकी मेंटल ग्रोथ भी होती है. द सेकेंड इंक्रीजेस कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से एम्प्लॉयज वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी समझते हैं और अपने प्रोमिसेस पूरे करते हैं. नाउ द लास्ट प्रिंसिपल इज एसटीडी कॉक्स. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज. इसका मतलब मैनेजमेंट ने वर्कर्स को उत्साहित करना चाहिए ताकि वह मिलजुल कर हर काम करें. मैनेजर को भी अपने कॉन्वर्सेशन में आई की जगह वी का यूज करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल डू इट ही शुड से वी विल डू इट टुगेदर बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. यदि किसी डिपार्टमेंट को कोई टारगेट दिया गया है तो उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क जरूर किया होगा, लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल मेंबर बीमार हो जाए या उसे कोई फैमिली प्रॉब्लम हो तो बचे हुए मेंबर्स को उसका काम भी शेयर करना चाहिए बिकॉज दिस इज द टीम स्पिरिट ओनली. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल. इट डेवलप्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. यह प्रिंसिपल फॉलो करने से ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है. द सेकेंड इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. यह प्रिंसिपल फॉलो करने से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जरूर अचीव होंगे. द थर्ड इज कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अच्छे रिलेशंस होंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर एनी मैनेजर ऑफ बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. If you like this video, like, share and subscribe the channel.